हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने ये पाए की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। ये ऑयल फ्री है, इसमें कोई कुकिंग ऑयल, कोई घी, कोई बटर, कुछ नहीं डलेगा। ये अपने ही जो ऑयल है, जो रोगन है, जो गोश्त का, ये पाए का, या ये जो इसके अंदर हड्डियों का गूदा होता है, ये उसी के अंदर ये बनेंगे। अगर आप ये देखें, ये केक की तरह से काटे हुए हैं, ये भी वजह यहाँ पर इसी तरह से कटे हुए मिलते हैं इसके, ये देख रहे हैं आप। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके इसमें आपको ऑयल या घी या बटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो इसकी नली है, जो गूदा है हड्डियों का, ये खुद ब खुद निकल के ये डिज़ोल्व हो जाता है इसके अंदर। तो इस वजह से आपको ज़रूरत ही नहीं रहती कि आप इसके अंदर कुछ इस तरह से कुछ डाल सकें। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये सारे इसी तरह से कटे हुए हैं। ये तो इसमें से ये जो गूदा है हड्डियों का, जो मिक है, जो नली है, ये डिसॉल्व हो जाती है। और इसका एक और भी एडवांटेज है आपको, ये जल्दी कुक हो जाता है, जल्दी पक जाता है। ये इसको उतना टाइम नहीं लगता है जितना नॉर्मली, क्योंकि वो बड़ी बोटी होती है और उसको ज़्यादा टाइम लगता है। ये इस तरह से केक की शक्ल में ये काटे हुए होते हैं। इसके अंदर दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारा मसाले होते हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाते हैं और टेस्ट इसका ज़्यादा आपको फील होता है, ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। तो इसी वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कटाई किस तरह से होती है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर जो पाए होते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में जिस तरह से पाए मिलते हैं, ये उससे साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानवरों के साइज़ रिलेटिवली, मतलब ये कि बड़े हैं जानवर यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें दूसरे मुल्कों से। तो इस वजह से ये जो एक पाया है, ये अच्छा खासा हैवी है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, अगर वहाँ या सऊदी अरेबिया या इधर अरब साइड पर जो आम नॉर्मल जानवर के अगर आप दो पाए लेते हैं, तो इसका एक ही काफ़ी है, ये इतना हैवी होता है। आप वीडियो के अंदर देखेंगे, आगे जब ये कटाई हो रही होगी, मैं रॉ फॉर्म के अंदर उसको दिखाऊंगा। रॉ फॉर्म इस तरह से है कि उसके ऊपर से उन्होंने जलाया हुआ है इलेक्ट्रिकली, या मे भी गैस कहीं पर इस्तेमाल हुई हो, तो इस वजह से वो आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि ये किस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारे मसाले हैं, ये मैंने आपको पाए का बताया है। इसमें नमक हसबे जायका है, ये दड़ा मिर्च कह लें आपको, या ये कूटी हुई कह लें सुर्ख मिर्च है, तेज़पात पत्ता है, 5-6 दाने लौंग के हैं, भुना हुआ ज़ीरा है, छोटा टुकड़ा एक दालचीनी है, 2 अदद मोटी इलायची है, हल्दी आधा चाय का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच है, गरम मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। ये एक पूरा जो जवा था बड़े वाला लहसुन का, वो सारा है। नॉर्मल साइज़ का एक प्याज है, मोटा मोटा काटा हुआ है। अदरक जो है वो क्रश्ड है, वो 1 खाने का चम्मच है। 3 से 4 कटी सब्ज़ मिर्च है। इनिशियली ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, तो आगे आप देखते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यह है कि ये इस जब ये पक जाएगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर से ऑयल या जो हड्डियों का ये जो गूदा, ये मेल्ट होकर, ये पिघल के ये कितना ज़्यादा निकला है, उसके ऊपर आपको फील हो जाएगा। मेरा मशवरा यह है कि क्योंकि बहुत, मतलब दफ़ा अगर आप देखें, बच्चे नहीं खाते गोश्त, शोरबा खा लेते हैं, तो ये उनके लिए ये बेस्ट है। तो व्यूअर्स, अब मैं ये आपके सामने, ये मेरे पास प्रेशर कुकर है और इसको ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अगर आप अपना जो पाया है वो बड़े साइज़ में अगर कटवाते हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको जो है, ये देखें इस तरह से ये केक की शक्ल में ये कटे हुए हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये देखें, मेरा जो प्रेशर कुकर है वो अच्छा खासा जो है वो फिल हो चुका है। अभी इसमें पानी भी जाना है, मसाले जाने हैं, ये सारे खड़े मसाले और दूसरे मसाले जो हैं, ये अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। सुर्ख मिर्च जो है वो 1 बड़ा खाने का चम्मच और साथ में 1 चाय का चम्मच है भरा हुआ। ये दड़ा मिर्च है, ये मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। ये हमारा अदरक चला गया इसमें। और ये हमारा प्याज भी चला गया। इवन इसमें टमाटर ना डालिएगा,
जब भी आप पाए बनाएं, मेरा मशवरा यही है कि टमाटर ना डालिएगा, उससे टेस्ट जो है आपका बिल्कुल ही बैठ जाए पाए का। बगैर टमाटर के बनाइएगा, टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर लगाऊंगा। पानी आपने अपने पाए के हिसाब से डालना है। तो व्यूअर्स, प्रेशर में लगाने लगा हूँ, इसको हम वक्तन फ़क्तन चेक करते रहेंगे और जब तक ये हमारे पाए गल नहीं जाते उस वक्त तक हम इसको प्रेशर लगाते रहेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसमें ऑयल नहीं है, जो मैंने ऑयल नहीं डाला, ये इसका अपना है। ये देखें, ये इसमें से हड्डियों का जो गूदा है वो पिघल कर ऑयल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। खैर मैं लाइट ऑन करता हूँ ताकि आप ज़्यादा क्लियर देख सकें। ये देखें, अगर आपको अंदाज़ा हो रहा हो तो ये देखें ऑयल कितना है इसमें। ये अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं डाला, ये जो है ये किसी में से, ये भी कच्चा है, मुकम्मल नहीं पका, इसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना नॉर्मली लगता है बड़ी जो बोटियाँ की होती हैं, ये जो बड़े पीसेस किए होते हैं उनको, उससे रिलेटिवली ये कम टाइम इसको लगेगा। और जब ये, एक और मज़े की बात है, जब ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा, हड्डियाँ आपकी सेपरेट हो जाएंगी और जो आपका गोश्त है या पाए जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं इसको दोबारा प्रेशर लगाने लगा हूँ। व्यूअर्स, मैंने पहले बताया इसका एडवांटेज बहुत है, इसका फ़ायदा बहुत है। जो बच्चे या जो लोग बोटी नहीं खाते, पाए नहीं खाते, वो सिर्फ शोरबा खाते हैं या पीते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। इसमें सब कुछ शामिल है जो, अगर वो बोटी नहीं भी खाते तब भी उनके अंदर वो सारे मिनरल्स, वो विटामिंस और वो ताकत की चीज़ें इसमें जा सकती हैं, जो नॉर्मली आप कहते हैं कि ठीक है ये गोश्त खाने से या ये पाए खाने से जा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मिक्स हो चुका हुआ है। हड्डियों के अंदर कोई चीज़ नहीं बचती, हड्डियों में से सब कुछ निकल जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप पाए बनवाएँ इस तरह से बनवाएँ, जल्दी पक जाएंगे, इनका मज़ा ज़्यादा है और सब कुछ आपके शोरबे में आ जाता है। व्यूअर्स, ये देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से सामने आएगी, और इसमें अगर आप देखें तो इस तरह से हड्डियाँ जो हैं, ये देखें हड्डियाँ इस तरह से बिल्कुल आपको अलहदा नज़र आएंगी। ये देखें, इसमें से जो हड्डियों का गूदा वो निकल चुका है, इसमें मेरे पास ये दरमियाने साइज़ की प्याज है फ्राई की, इसको बारीक बारीक बस चूरा कर लेना है। इसमें साथ में ये कसूरी मेथी, ये खाने का चम्मच, ये भी मैं इसमें अब डालूँगा। अब इसको जब तक हम भून नहीं लेते उस वक्त तक इसको चूल्हा जलता रहना है फुल आग पे, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ऑयल हमने कोई नहीं डाला, ये सारा इसी का जो जो पाए में से निकलेगा ये वही है। तो इसको जब ये भून जाएगा तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी कैसी शक्ल निकलेगी। ये देखें व्यूअर्स, पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ऑयल देखें जो ये निकला है इसके गूदे का, और ये हड्डियाँ देख रही हैं, हड्डियाँ देखें ये बिल्कुल अंदर से खाली हो चुकी हैं। ये देखें,
इसमें से जो इनका गूदा है, जो मिक है, जो नली है, वो मेल्ट होके पिघल के वो ये देखें, ये ऑयल बन चुका है। इसलिए ये ऑयल फ्री है, इसके अंदर ऑयल नहीं है। ये जो भी है आपको जो नज़र आ रहा है, ये इसी में से निकला हुआ है। जब हम बड़ी बोटियाँ बनवाते हैं, जो हम रवायती तरीके से हम लोग जो कटवाते हैं, उसके अंदर होता ये है कि वो मेल्ट नहीं होती, वो अंदर रह जाती है, वो अंदर तक नहीं उसको टेम्परेचर पहुँचता उतना कि जिससे वो पिघल के निकल सके। ये बेहतरीन तरीका है जिसके अंदर हर चीज़ इस शोरबे के अंदर शामिल कर सकते।